बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लंस वन की ताज़ा तरीन अपडेट जो मुझे समझ आ रहा है वो आपके आगे रख रहा हूँ। मैं हमेशा टेक्निकली बताता हूँ और मैं कभी भी फंडामेंटल्स के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा होता। किसी की खबर मुझे नहीं पसंद, ठीक है, फ़ायदा नहीं है, झूठ भी हो सकता है। टेक्निकली यार चीज़ को जब आप समझोगे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों को पता होगा कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ये सिचुएशन है। अब सिचुएशन करंटली मुझे ये लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस को तोड़ने वाला है, और इन केस अगर ये यहाँ पर ट्राइंगल आपका रेजिस्टेंस वाला टूट जाता है तो सिचुएशन किसी भी तरफ जा सकती है दोस्तों। ये सिचुएशन जिस तरफ अब जाने वाली है आप लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये इस तरह से ये ऊपर उठेगा, ठीक है। आप लोग ये देखें, आप लोग देखते रह जाओगे जो सिचुएशन ये बन रही है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसने ऊपर उठना है, ठीक है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है आप लोग यार इसके अंदर अगर होल्ड किया हुआ है तो आप लोग होल्ड करके रखो, भी वेट कर लो, क्योंकि इसके अंदर अच्छी खासी जो है वो पंपिंग देखने को मिलेगी। प्रॉफिट बुक होने के बाद आप लोगों ने एग्जिट होना है, उससे पहले एग्जिट नहीं होना, ठीक है। उससे पहले अगर आप लोग यार एग्जिट होते हो तो वो फिर ज़ाहिर है अपना नुकसान आप लोग करते हो, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट बुक करने के बाद एग्जिट होना चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों को ज़्यादा टेंशन है तो वो जो पॉइंट जब डाउन क्रैश हो रहा होता है तब नज़र रखनी चाहिए, अदरवाइज जब नीचे आ ही गया तो फिर उस वक्त क्या टेंशन लेने का फ़ायदा नहीं है। ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है लंच पॉइंट पर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।